हे मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पर्पल का हॉल वीडियो शेयर करूंगी। रिसेंटली पर्पल का सेल चल रहा था, एनवाई बे और स्टेक वर्की का। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेस किया है। तो सबसे पहले मैंने परचेस किया है एनवाई बे की डीप इंटेंस कोल आई पेंसिल। ये बहुत ही अच्छी आई पेंसिल है, 85 प्राइस है, लेकिन आपको अक्सर डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो उस बीच सेल था तो मुझे 75 में मिल गया। और आपने देखा होगा मेरे ब्राइडल सीरीज में मैंने इसे एज अ आई बेस यूज किया है। लिखा है कि स्मज प्रूफ है, लेकिन ये स्मज होता है, इसलिए आई बेस के लिए बहुत ही परफेक्ट काम करता है। बिल्कुल ब्लैक इंटेंस कलर है इसका और बिल्कुल क्रीमी है। आईलिड्स पर स्मज करते वक्त आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा और लाइक आईज में इरिटेशन भी फील नहीं कराता, बिल्कुल आराम से ब्लेंड हो जाता है। तो ये मेरा फेवरेट हो गया है इसलिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया एनवाई बे का कॉन्टोर स्टिक इन द शेड 06। मैंने इसे कॉन्टोरिंग के लिए परचेस किया था। इसमें 10 शेड्स अवेलेबल हैं, फाउंडेशन के लिए भी, कलर करेक्टिंग के लिए भी। तो मैंने इसे कॉन्टोरिंग के लिए परचेस किया और आप देख सकते हैं कि मैंने इसी को यूज़ करके एक्चुअली मैंने कॉन्टोरिंग की हुई है। और आप लोगों के साथ अभी मैंने रिसेंटली ब्राइडल सीरीज़ का एपिसोड शेयर किया था, उसमें मैंने ब्राइडल किट में आप लोगों को दिखाया था यही कॉन्टोर स्टिक और इसे अप्लाई करके दिखाया था। तो एकदम क्रीमी फॉर्मूला है और एकदम आराम से जो है ना ब्लेंड होता है। मैं इसे सजेस्ट करूंगी ऑल स्किन टाइप, लेकिन अगर आप इसे एज अ फाउंडेशन, मतलब जो मेरा शेड है फाउंडेशन में 03, अगर आप इसे एज अ फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो ओनली ड्राई स्किन वाला ही परचेस करें, क्योंकि ये थोड़ी स्किन को ऑयली कर देता है कुछ घंटों बाद। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा वाला फेवरेट प्रोडक्ट हो गया है। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है स्टेक वर्की की लिक्विड आईलाइनर। ये मैट आईलाइनर है, आपको मिलता है 5 ml, और इसमें मैंने 3 शेड्स परचेस किए थे, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन। तो ग्रीन का जो है वो गलती से क्लिप मिस हो गया है, इस वजह से मैं आपको गोल्डन एंड ब्लू दिखाऊंगी। तो गोल्डन जो है मैंने आप लोगों के साथ मेहंदी लुक में दिखाया था, ग्रीन आई शेडो के साथ, ग्रीन कलर के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और ये जो आईलाइनर्स है ना, एक्चुअली जब आप इसे अप्लाई करोगे तो जब ये ड्राई हो जाती है ना, तब इनकी एक्चुअल इंटेंसिटी आती है। तो ये बहुत ही अच्छा वाला स्टेक वर्की का आईलाइनर है। बिल्कुल अगर आप कलरफुल आईलाइनर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। वाटरप्रूफ टेस्ट भी मैं आपको यहाँ पे दे ही रही हूँ कि आप देख सकते हैं पानी लगाने के बाद भी ये बज नहीं हो रहा। नेक्स्ट मैंने परचेस की है एनवाई बे की लिक्विड लिपस्टिक्स और लिप क्रेयॉन। तो मैंने ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक मंगाई है और लिप क्रेयॉन सिर्फ एक ही मंगाया था मैंने। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये प्यारा सा रेड कलर, ये रेड फैमिली से है। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, आई थिंक आपको 20 शेड्स मिलते हैं। तो इसमें जो शेड्स मिलते हैं ना वो बहुत सारे हैं, मतलब रेड फैमिली, पिंक फैमिली, पर्पल फैमिली, ब्राउन, न्यूड भी आपको मिलता है। तो मेरा ये जो शेड है 01 है, ये पर्पल फैमिली का है, पर एक्चुअली ये रेड दिख रहा है। तो इन लोगों ने कोट किया हुआ है सब कुछ और आप देख सकते हैं मेरे लिप्स पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो इसकी जो पैकेजिंग है ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइक बहुत फैंसी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, तो आपको अपना कलर जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और ये जो शेड है 12 है, आप लोग अब मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे मेरी लास्ट वीडियो में कि आपका लिप शेड अच्छा लग रहा है, तो वो यही था। तो मैं इसका रिव्यू भी अगर आप चाहो ना तो अलग से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज ये रिसेंटली मेरी फेवरेट हो गई है और सभी लोग इसको परचेस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वाली लिक्विड लिपस्टिक है, अफोर्डेबल है, 149 मुझे कॉस्ट पड़ी थी इसकी, बहुत ही अच्छा शेड है। और NYB अभी काफ़ी न्यू लॉन्च कर रहा है, अभी तो purple.com पे अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे न्यू लॉन्चेस के साथ आया है NYB। और आप देख सकते हैं जो 06 है ये थोड़ा सा डार्क कलर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिप्स पे, बहुत ही ऑल अंडरटोन पे ये जा सकता है। इसके स्वॉच भी मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसका रिव्यू भी करूँगी। नेक्स्ट मैंने ये लास्ट प्रोडक्ट परचेज किया लिप क्रेयॉन का 135, और ये जो 05 शेड है ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद है, ये शेड बहुत ही प्यारा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे इस लुक के साथ ये शेड बहुत ही अच्छे से जा रहा था। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।